पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीमान भैया को भी मैं हार्दिक तहे दिल से नमन करता हूँ। तो ये कार्यक्रम का कार्यकर्ता सम्मेलन है दोस्त। हाँ, कार्यकर्ता का मतलब ही होता है हाथ जब रुक मिस आपको काम करना होगा और जैसा जज्बा होना चाहिए जैसा कार्यकर्ता का मीनिंग होती है वैसे किसी में मैंने देखने को नहीं मिल रहा है। बड़ा दुख के साथ ये बात मुझे बोलनी पड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ आप सब जो सब जुनून के साथ काम करें, हम एक नहीं अनेक भाई हैं, उसके बावजूद भी हम एक सीट नहीं हासिल कर पाते हैं। एक नहीं अनेक भाई हैं, उसके बावजूद हम सीट हासिल नहीं कर पाते हैं। और एक है और हम अनेकों के अपने साथ कर लेते हैं। ये हम में कितनी बड़ी कमी है, कितनी बड़ी भूल है, सिर्फ हमें पहचानने की जरूरत है भाई। तो हम चाहेंगे आप लोग से आग्रह करेंगे कि हम आप सबको पहचानना अपने आप को, अपने अधिकार को। आज हमें अपने अधिकार के लिए दूसरे से मांगना पड़ रहा है, छीनना के लिए, मतलब जो हमारे अधिकार छीनी जा रही है, हमारे अधिकार के लिए हमें मांगना पड़ रहा, लड़ना पड़ रहा। जो हमारी ये पूर्व सिद्ध अधिकार है उसके लिए हमें लड़ना पड़ रहा। तो भाई मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि जो भी है आदिवासी मूलवासी अल्पसंख्यक पिछड़े जाति हम सब एकजुट हो जाए। तो हम चैलेंज करते हैं कि कोई दुनिया के कोई भी माँ के लाल हो जो कि यहाँ पे राज्य नहीं कर सकता है, मात्र एकदम मुट्ठी भर के लोग हम सभी तमाम भाइयों को नचने की तरह नचाता है। तो हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि बहुत नजदीकी आ गया है, हमें परीक्षा के समय आ गई है, इस परीक्षा में हमें एकजुटता दिखानी होगी और सुबोध कांत सहाय को विजय करने के लिए हमें एकदम यूनिटी दिखानी होगी और विजय के लिए मोहर लगानी होगी। यानी कि यह कांग्रेस की जीत नहीं है, ये आपकी जीत है, आप सभी की मान सम्मान की जीत है, आपकी मान प्रतिष्ठा की जंग छिड़ चुकी है। इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप ही सीमित ना रहे, कार्यकर्ता भी मतलब ही होता है जो कार्य करना चाहिए, ना कि झूठी दलेली करना चाहिए। बस काम अगर जोश और जुनून के साथ आप करते हैं तो आपकी रिजल्ट मिलना तय है। इसलिए जोश और जुनून के साथ काम करें। मैं अपने वाणी को यहीं अंत करता हूं। समय को देखते हुए और वक्तागण है वो अपने बात को रखेंगे। धन्यवाद नीरज जी। इससे पहले कि कलश यात्रा लेकर हमें बताए पहले आ रही है।